कितनी उम्र में आपके पतिदेव चले गए? पतिदेव मेरा मुंह भी नहीं देखे, शादी हुई बहुत छोटे में। अच्छा हाँ, पति का मुंह भी नहीं देखे। आपने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा? नहीं देखे। 5 साल की थी, कैसे देखा? और विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। मैं बचपन में ही विधवा हो गई थी, फिर भी मैं 2 रास्ते से बहुत शांति से जीती हूँ, एक सत्संग दूसरा दीनहीनों की सेवा, यही जीवन में मेरे है और कुछ नहीं, देखे भी नहीं। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए कि मेरे जीवन में नहीं कुछ है, जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए सत्संग। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे, और आप जैसी माताओं के दर्शन करने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत चाहिए, सती स्त्रियां हैं। देखो सारी जिंदगी अपने पति की विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यही ये नारियां पूरी दुनिया घूम के देख लेना, केवल भारत में मिलेंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यही है भारत का गौरव, यही है भारत जहां संयम। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सनातन की पहचान है, इसे कहते हैं सनातनी माता जी, ठीक है, इसे कहते हैं सनातनी शेरनी। भाई आजकल की लड़कियां ऐसी बिल्कुल कतई भी नहीं है, कतई भी। आजकल की लड़कियां तो ऐसे लड़के बदलती है जैसे कपड़ा बदल रही हो, लत्ते बदल रही हो, ऐसे लड़कों को बदल देंगी। अब अपने हमारी माँ को देखो, बूढ़ी माँ को 8 या 9 साल की उम्र में ब्याह हो गया, और जब भी पति का मुंह भी नहीं देखा, चेहरा जिसे कहते हैं पति का मुंह, मजा ले दूसरी शादी करी हो। ये होते हैं बुढ़ापे वाले, ये हैं पिछले जमाने के हमारे बुजुर्ग, ऐसा होना चाहिए। हर किसी को ये नहीं है कि पति कल पति खत्म हुआ और आज दूसरी शादी कर ली। भाई हमारा कहना ये है कि अपने कुछ करो अपने लिए, ये नहीं है कि पति ढूंढने में करो। और आजकल की लड़कियां तो ज्यादातर देख रहा हूं मैं कि ऐसे लड़का बदल दिए जैसे कपड़े बदल रही हो। भाई मेरा सभी से कहना ये है कि बिल्कुल अपने सनातन धर्म का प्रचार करो जैसे करा जाए, अपने पूरे कपड़े पहनो, सही रहो बिल्कुल, जैसे कहते हैं जो अगला आदमी ये ना कहे कि तू गलत है, इतनी सी भी गलती मत निकालने दो अपनी किसी आदमी को, ठीक है। तो भाई माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया, और बहुत ही इस बात से बहुत ही लड़कियों को सबक मिलेगा मेरे अंदाजे से, बहुत ही ज्यादा लड़कियों का। ये होती है सनातनी माता, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।